the girls with their nails done now. आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड पे आज मैं लेके आ गया हूँ ग्राउंड की वीडियो। देखिए दोस्तों कैसे लड़ते हैं ग्राउंड से, एकदम बढ़िया एकदम क्लब काइट फाइटिंग के पेज। एरो काइट क्लब लड़ रहा है अगेंस्ट में एक और काइट क्लब खड़ा है, मार्केट की टीम है। देखते हैं दोस्तों क्या चलता है। अरुण जी का पेज ऊपर से, चलिए दोस्तों रेड कलर की पतंग आपको शो होती भी ऊपर से है अरुण जी की। चलिए रखते हुए अपोनेंट अंदर की तरफ बढ़ता हुआ ऊपर से रखते हुए अरुण जी पट कर लिया बहुत। ये दोस्तों गलत बात रखती है, ग्राउंड से आप आगे चोर पे लड़ा रहे हैं बिल्कुल पेड़ों पेड़ों में नीचे नीचे। अब उठा के दिया अपोनेंट ने, चलिए अरुण जी ने रखा है मुड्डा, अपोनेंट ने फिर से पट कर लिया। उठाइए अरुण जी हल्के से गर्दन की तरफ आए, रुके हैं नीचे रखा है अरुण जी ने, रख के पूरा रख दिया है अपोनेंट ने, एकदम ऊपर करके रोक लिया पतंग। अरुण जी हल्के हल्के पेज बनाते हुए, हवा नहीं लगती हुई अरुण जी की पतंग को, कहीं ना कहीं ये भारी साबित हो गया। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, हवा नहीं लगी पतंग पे बिल्कुल और ऊपर उठा रहे थे, इतनी देर में अपोनेंट ने अंदर के चक्कर डाले और अरुण जी की पतंग कट गई। कोई बात नहीं, चलिए दोस्तों नीचे से लेके आ गए प्रशांत भाई अगला पेज। नीचे से प्रशांत भाई की पतंग है, ऊपर से अपोनेंट की पतंग है। चलिए दोस्तों काफ़ी बड़ है प्रशांत भाई की पतंग, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये देखिए काफ़ी बड़ है और अपोनेंट झोल की तरफ ही आता हुआ बहुत अंदर आ गया है। देखिए अपोनेंट, ये देखिए मारता हुआ अपोनेंट नीचे की तरफ, हल्के से रोका है अपोनेंट ने, हमने ऊपर की तरफ करा है प्रशांत भाई ने मुड्डा। अपोनेंट ने मारा है बढ़ता हुआ गद्दा, मारा पूरा जमीनों तक का मारा है, रोका और फिर अंदर की दिखाई है और प्रशांत भाई ने चक्र चुप पे छोड़ दी पतंग। बहुत बढ़िया, ये उछल के गई दोस्तों अपोनेंट की पतंग, पेड़ों के पीछे हो गई थी, दिखी नहीं होगी आपको। चलिए दोस्तों अगला पेच आ गया प्रशांत भाई का, नीचे से है प्रशांत भाई ऊपर से अपोनेंट। चलिए दोस्तों चढ़ा के देते हुए प्रशांत भाई ऊपर से मुड्डा, अंदर का पट मोड़ा है और बहुत लेट हो गए, साथ ही साथ बराबर हो गया दोस्तों पे, जो उनकी पतंग भी एक ही मुड्डे पे चली गई। चलिए दोस्तों वापस आते हुए प्रशांत भाई और आयुष भाई, अब देखते हैं अगला पेज किसका लड़ता है। चलिए दोस्तों आयुष भाई का अगला पेज लड़ता है, वो ऊपर से आयुष भाई की पतंग है, नीचे से अपोनेंट की पतंग है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ मुड्डा रखते हुए रखा है, बड़ी तेज नीचे रखा है आयुष भाई ने मुड्डा, फिर ऊपर उठाई झोल की तरफ रख रहे हैं, अंदर की तरफ बढ़ते हुए आयुष भाई अपोनेंट ने चढ़ा के दिया। आयुष भाई ने नीचे डोर पर रखा, झोल पर रख के थपकियां पड़ रही हैं और कहीं ना कहीं डोर नहीं मिली। झोल का अंदाज देखा दोस्तों आपने इस पेज में, देखिए दोस्तों झोल का अंदाज देखिए आयुष भाई का। चलिए दोस्तों बाहर की तरफ मुड्डा बनाते हुए अपोनेंट चक्कर पे लगता हुआ अंदर की तरफ पड़ता हुआ आयुष भाई गर्दन की तरफ आते हुए पट कर आयुष भाई ने मुड्डा बनाया है, एक हाथ से मारा है गड़ता हुआ मुड्डा। अपोनेंट ने अंदर की तरफ पूरी मोड़ दी पतंग, अपोनेंट की पतंग पर पूरी उल्टी हवा में लेकर आती थी, कहीं ना कहीं आयुष भाई को थपकी मारनी चाहिए थी वहां पे। आयुष भाई की पतंग कट गई है, ये देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों झटक देते तो काट देते। देखिए दोस्तों क्लब खड़ा है एरो वाइट क्लब और सब पतंग उड़ के जाती हुई सब मेंबरों की, ये देखिए एक पतंग उड़ रही है, एक पतंग छूट के जा रही है, बाकी एक पतंग पेज पे है। चलिए दोस्तों चलते हैं पेज की तरफ, तरुण भाई का पेच आ गया है ऊपर से। चलिए दोस्तों बाहर की तरफ निकालते हुए तेज हाथ से रोका है अपोनेंट ने ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ बढ़ता हुआ देखिए अपोनेंट ऊपर चढ़ा के, तरुण भाई ने मारा है गद्दा, रोका झोल सीधा करके फिर से मारा गद्दा, जमीनों तक का गद्दा मारा और अपोनेंट ने झटके मारे और तरुण भाई की पतंग कट गई दोस्तों। बहुत जोरदार झटके मार दिए थे, रोक के अंदर की तरफ थपक देना था एंड मोमेंट पे, लेकिन उन्होंने पूरा आंख बंद करके झटका मार दिया। निखिल भाई हमारे प्रशांत भाई को पे समझाते हुए सलाह मशवरा करते हुए कैसे लड़ाना चाहिए पे। चलिए दोस्तों ऊपर से प्रशांत भाई की पतंग है, अपोनेंट अंदर की तरफ घुसता हुआ काफी पट है अपोनेंट की पतंग। यहाँ देखिए निखिल भाई ने समझाया कि रोक लो यहाँ ऊपर कर लो मुड्डा, तो अब प्रशांत भाई ऊपर करते हुए अपनी पतंग को बचा लिया यहाँ पे, अगर यहाँ मारते तो नीचे चले जाते बेहवा में, उनकी पतंग चली जाती मुड़दार हो जाती दोस्तों। चलिए दोस्तों ऊपर चढ़ाया है प्रशांत भाई ने, मारा है बनता हुआ गद्दा और बिल्कुल सच्चा गद्दा मारा, अपोनेंट ने सीधा खींचने की गलती कर दी, कहीं ना कहीं बहुत टाइट हाथ से गद्दा पड़ रहा था और इस हैवी गद्दे के सामने सीधा खींचने की गलती कैसे कर सकते थे अपोनेंट। अब गलती करी है तो खामियाजा ही भुगतना ही पड़ेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों ये अरुण जी हमारे पतंग चेक करते हुए, काफ़ी भारी भरकम पतंग चेक करते हुए तरुण भाई टिकट लेने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों एरो वाइट क्लब का एक मेंबर का पेच है, रखा गद्दा बनाया, अपोनेंट ने बाहर की तरफ खींचा, इन्होंने अंदर की तरफ दिखाया, कोई ज़रूरत नहीं थी दोस्तों अंदर की तरफ दिखाने की, उन्होंने झटक के पतंग को
काट दिया और पेज अपने नाम बना लिया। चलिए दोस्तों अगला पेज देखते हैं दोस्तों किसका है। ये देखिए इन प्लेयर ने काटा दोस्तों पेज। अरुण जी की भारी पतंग अब चेक कर रहे थे, अब छोड़ते हुए काफी भारी भरकम पतंग छोड़ते हुए महंगी महंगी पतंगें उड़ा रहे हैं। बहुत पुरानी पुरानी 25-25, 30-30 साल पुरानी पतंगें रख के पका लिए इन्होंने, अब वो पतंगें उड़ा रहे हैं ये। बाकी लोग अपनी पतंगें सेट करते हुए देखिए दोस्तों, प्रशांत भाई, तरुण भाई, आयुष भाई, निखिल भाई सब। चलिए दोस्तों ऊपर से आ गया निखिल भाई का पेज। चलिए अंदर की तरफ बढ़ते हुए, अपोनेंट भी अंदर की तरफ बढ़ता हुआ। निखिल भाई ने पट की तरफ मुट्ठा करा, अपोनेंट ने खड़ी करी है पतंग। निखिल भाई ने हल्का सा बनाया, अब गद्दा बनाया, सीधा करा, मारा टेपर गद्दा बिल्कुल बनता हुआ। और अपोनेंट ने बहुत ज्यादा देरी कर दी बाहर खींचने में, तब तक कहीं ना कहीं घाव बैठ चुका था गद्दे का। बहुत टाइट गद्दा, जबरदस्त पेज। चलिए दोस्तों अगला पेज लेके आ गए निखिल भाई, ऊपर से रखते हुए निखिल भाई। अपोनेंट ने तेज हाथ से ऊपर चढ़ाया, काफी भारी पतंग है अपोनेंट की। चलिए दोस्तों रखते हुए निखिल भाई, ऊपर ऊपर ही भी रख रहे हुए। अपोनेंट ने काफी तेज ऊपर मुड्डा चढ़ाया, सीधी करिए पतंग, बिल्कुल सीधा करके रख लिया है डोर पर। निखिल भाई ने बाहर की तरफ झटकते हुए अपनी पतंग को पेज बना रहे हैं, हल्के हल्के बाहर के चक्कर डाले निखिल भाई ने, और झटकते हुए ऊपर उठाया और ये गई हमारे अपोनेंट की पतंग क्रॉस में। पैरल झटके मार के निखिल भाई ने ये शानदार पेज काट दिया। बहुत गजब के पेज लड़ा रहे हैं निखिल भाई। ये तरुण भाई अपनी पतंग सेट करते हुए ये बागी और निखिल भाई का पेज ऊपर से मारा निखिल भाई ने गद्दा, और ये कट गई निखिल भाई की पतंग। तीन पेज काट के निखिल भाई की पतंग चली गई। प्रशांत भाई आ रहे हैं चरखी दिखा के निखिल भाई को। देखिए दोस्तों अब पतंग सेट करते हुए सब जने अपनी अपनी। देखिए दोस्तों आयुष भाई भी अपने भारी पतंगों के कन्ने लगाते हुए, बाकी ये कुछ मटेरियल लड़ रहा है दोस्तों। नंबर वन बशीर बेग परी रिलायन, ये सब मटेरियल लड़ रहा है। ये नंबर वन का चरखा छोड़ दिया है तरुण भाई ने हमारे, वो आधी पतंगें लड़ती हुई राजा दामोदर, सब बड़े बड़े कारीगर लखनऊ, इलाहाबाद, मुरादाबाद, सारे बड़े बड़े कारीगरों की पतंगें लड़ती हुई। निखिल भाई ये भी पेज कटवा के अगली पतंग सेट करते हुए ठड्डा उतारते हुए पतंग का टेम्पर ठड्डा बना रहे हैं, जिससे पतंग एकदम इनके इशारों पर रहे। चलिए दोस्तों वो छोड़ते हुए हसीन लल्ला का AMR, हसीन लल्ला का मंजा छोड़ते हुए प्रशांत भाई हमारे, अगला पेज आ गया दोस्तों अरुण जी का। चलिए दोस्तों ऊपर से रखा अरुण जी ने अंदर की तरफ झटके, बहुत शानदार ये पेज काट दिया। कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस दोस्तों देख लीजिए कितना काम आता है, दो झटके मारे अंदर की तरफ दिखा के और पतंग उछल के गई। चलिए दोस्तों स्कोरिंग देखते हैं क्या हो गई है। चलिए दोस्तों अरुण जी का फिर से पेच आ गया है ऊपर से, रखा अरुण जी ने मुड्डा, पूरा मारा है भरता हुआ अंदर की तरफ दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार अपोनेंट पूरा भार का खींच के ले गया दोस्तों। अरुण जी की इतनी खींच नहीं है बिकॉज ऑफ एज। चलिए दोस्तों प्रशांत भाई का पेच आ गया है ऊपर से रखते हुए। प्रशांत भाई मुड्डा काफी तेजी से, अपोनेंट हल्के हल्के चक्करों पर रखा हुआ। प्रशांत भाई ने अंदर की तरफ करा, अपोनेंट ने खड़ी मुड्डे से अंदर की तरफ करा। प्रशांत भाई ने बाहर का बनाया टेपर गद्दा मारा। चलिए दोस्तों मारा है पूरा सीधा मारा है गद्दा। अपोनेंट ने पट की तरफ मुड्डा करा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। प्रशांत भाई का गद्दा कहीं ना कहीं बैठ गया, गहरा बैठ गया। बहुत शानदार ये पेच काट दिया प्रशांत भाई ने। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले पेज की तरफ। निखिल भाई अपनी पतंग चेक करते हुए गल गई। देखिए सफेद था कागज, सफेद से पीला हो गया। ये नहीं पीला ही था, जितनी आ जा हाथ में वो चल रही। पतंग दिखाई अंकल की, बहुत बढ़िया पतंग है, राजा की पतंग उड़ाते हुए। 15 साल पुरानी है। निखिल भाई का पेज चलता वो एम करते हैं दोस्तों इस वीडियो पे 10 के लाइक्स का। लाइक होते ही दोस्तों अगली वीडियो भी आएगी ग्राउंड के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।